लेकिन समाजवादी पार्टी सीधे सीधे राजनीति कर रही है, कांग्रेस से कोई सीधी बात नहीं हो रही है, भारत सरकार इस मामले में दोषी है, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी दोषी है इस मामले में पूरे प्रकरण में। अमिताभ जी संपादित देखिए, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं, ना मेरी मान्यता बदलेगी कि सपा को इससे राजनीतिक लाभ हो जाए या नुकसान हो जाए, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक दल है, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या हरिद्वार में प्रमोशन करेंगे, क्या करेंगे? राजनीति ही करेंगे ना, राजनीतिक दल है तो यही जीवन है उनका, चाहे विजय बहादुर सिंह की पार्टी हो, चाहे दीक्षित जी की, चाहे मनोज पांडे जी की, ये विषय यहां नहीं। मैंने कहा मैं सपा का कार्यकर्ता नहीं। विजय बहादुर सिंह आज बड़ी बात कर रहे हैं, मायावती जी के साथ ये बोस्टन में हुआ होता तो विजय बहादुर सिंह जी ने अब तक टेलीविजन हिला दिया होता, पूरे देश भर में हाहाकार हो गया होता, लगता कि शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, तांडव होगा, कहा जाता कि भाई दुनिया भर में एक दलित का अपमान हो गया। मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इस बात को इंफोसाइज कर रहा हूं लगातार कि सुरक्षा के नाम पर दसियों किस्म के नपने लेके आप मत चलिए। ठीक है, अमेरिका आप बड़े मुल्क हैं तो बड़े दिखिए भी मन से भी, और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को आप अगर मैं आजम खान के मामले में ये कहता हूं कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को शक की निगाह से मत देखिए, तो हमारे बीएसपी के साथी सांसद जी कहेंगे कि आप इसको मुस्लिम कम्युनिटी की ओर क्यों ढकेल रहे हैं, तो फिर मैं पूछूंगा आप मुझे एक घटना बता दीजिए जिसको आप दलित कम्युनिटी की ओर ना ढकेलते हो। चुनाव आयोग के लोग भी पूछताछ कर लें मायावती जी से तो वो कहती कि मैं दलित हूं इसलिए पूछताछ कर ली। अब बताइए चुनाव आयोग में भी जात आ गई, ये तो दुनिया का सवाल है, ये भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये कद का सवाल नहीं। मनोज पांडे के साथ भी हुआ होता तो भी मैं यही बोलता, दीक्षित जी के साथ हुआ होता तो भी यही बोलता, वो जो भी शख्स गया वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधि होके गया। भारत की सरकार किसी व्यक्ति को भेजे और उसका अपमान हो तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, फिर भारत महत्वपूर्ण होता है, और भारत का अपमान हो ये ठीक नहीं। मैं एक बात जरूर कहूंगा जिसका इशारा कुछ अतुल ने शुरू में किया था, अब उस बात को मैं बहुत दृढ़ता से कहूंगा, मनमोहन सिंह जी क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे चीन के मामले में हमको दिख रहा है, मुलायम सिंह ने लोकसभा में बहुत तीखी बात कही भी, लेकिन जो बात आपके हाथ में है वो ये है कि 23 करोड़ की आबादी वाले सूबे में उनके व्यवसायिक हितों के पेच कुछ कस दीजिए, कभी जांच नहीं होगी, सब दुरुस्त हो जाएगी जांचें, लेकिन आपके व्यवसायिक हितों को पेच कसने होंगे उनके। ठीक बात है, ये ध्यान रखिए, अमेरिका आपकी और किसी धौस पट्टी में आ नहीं सकता। और जो लोग ये कह रहे हैं मैं आजम भाई से सहमत नहीं, उन्होंने पता नहीं किस रौ में कह दिया कि सलमान खुर्शीद ने षड्यंत्र किया, आजम भाई ने सलमान खुर्शीद साहब की हैसियत के बारे में थोड़ा ज्यादा अनुमान लगा लिया। अमेरिका किसी के कहने सुनने से कुछ करने वाला नहीं है, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि सलमान खुर्शीद का फोन वहां अटेंड हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। भारत के इंदिरा जी के बाद भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री था नरसिंह राव जी को तो समय नहीं मिलने ग्रांट हुआ था, एक बार मुझे याद है विजिट के लिए, एकमात्र प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन में यू हाथ ऐसे पीछे करके खड़ा हुआ था, वरना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गए बुश साहब के रिजीम में, मनमोहन सिंह गए थे यूपीए के वन के उसमें, उस टूर में मुझे अवसर मिला, उन्होंने ऐसे इनके कंधे पर हाथ रखा जिसे टीचर अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है स्कूल में, ये भारत का प्रधानमंत्री। और आप उम्मीद करते हैं कि जाएंगे दो दो हाथ कर देंगे, कड़ी प्रतिक्रिया, दीक्षित जी हमारे कह रहे भोले आदमी कि भाई भारत सरकार कड़ी प्रतिक्रिया जताए, अरे प्रतिक्रिया कहां से जताए, वोकल कॉर्ड तो हो, चीन से प्रतिक्रिया जता नहीं पा रहे, वहां अमेरिका से दो दो हाथ करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में जो है उसको करिए। पेप्सी और कोक पर आप अगर प्रहार करेंगे तो चोट आप जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां अपने आप पहुंच जाए। जी सिर्फ दो बातें कहूंगा मैं, दो शेर कहूंगा, पहला मनमोहन सिंह जी के लिए कहूंगा जो जरूरी है कहना, केंद्र सरकार के लिए कहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं, कब जागेंगे, कब जिंदा नजर आएंगे, कब अपने पैरों पर खड़े नजर आएंगे हुजूर, ये तो बता दीजिए। चीन घुसाया 19 किलोमीटर अंदर तक, मनमोहन सिंह जी कहते हैं ना वो स्थानीय मामला है, आप इसको तूल मत दें,
सात रेस कोर्स रोड में दिल्ली बलात्कार पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग घुसने वाले थे, नौजवानों के ऊपर लाठियां चली, तब मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं कह दिया कि स्थानीय मामला है? अतुल एक बात याद आई, चीन 19 किलोमीटर वाला जो प्रसंग अतुल ने बताया, एक बात मुझे ध्यान है, दीक्षित जी को स्मरण होगा, इन्होंने जरूर पढ़ा होगा, पंडित जी प्रधानमंत्री थे, चीन के ही गम में पंडित जी दिवंगत हो गए। उस इतने लाडले नेता का चेहरा अगर खराब हुआ तो चीन के चलते, लोकसभा में बहस हो रही थी दीक्षित जी, पंडित जी ने कहा कि जो जमीन चीन ने दबाई है वो जमीन महत्वपूर्ण नहीं है, बंजर है, वहां घास भी नहीं उगती, मैं शब्द कोट कर रहा हूं, पंडित जी ने कहा घास भी नहीं उगती, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो प्रकाशवीर शास्त्री, अगर सही नाम ध्यान कर पा रहा हूं, हो सकता है विस्मृति हो, प्रकाशवीर शास्त्री ने अपनी टोपी उतारी और कहा जवाहरलाल जी इस सिर में भी एक भी बाल नहीं है तो सिर कटवा दूं, कैसी बात करते हैं आप, हिंदुस्तान की एक इंच जमीन भारत मां की देह का हिस्सा है, ठीक बात, उसकी देह का हिस्सा है, और 19 किलोमीटर को आप कह दे लोकलाइज मामला है, यही बात जवाहरलाल ने कही थी और यही मनमोहन सिंह कह रहे हैं जी। और दूसरी बात मैं सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, मनोज भाई आपकी पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, हालांकि आप लोग खामोश नहीं है, लेकिन तब भी बात यह है, शेर यह है कि ये खामोश मिजाजी तुझे जीने न देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने न देगी, अगर जिंदा रहना है तो कोहराम मचा दे, और कोहराम आप कैसे मचाएंगे, टेलीविजन चैनल से कुछ नहीं होगा, सड़कों पर मचाना पड़ेगा, केंद्र सरकार अगर समझौतावादी नीति अपना रही है तो आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है मनोज भाई, निकाल बाहर कीजिए अमेरिकी उत्पादों को, कोक पेप्सी को, गर्मी का मौसम अभी आ चुका है, सेल जब प्रभावित होगी तब समझ में आएगा कि साहब एक सबसे बड़े सूबे का एक सबसे बड़ा मंत्री नाराज जब होता है तो क्या होता है, दिखाना पड़ेगा, ये काम करके दिखाना पड़ेगा, दिखाना चाहिए, ताकतवर कोई भी क्यों ना हो लेकिन सम्मान हर व्यक्ति का मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, और आजम खान साहब तो वाकई बहुत सम्मानित हैं। बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी, बहुत शुक्रिया दीक्षित जी, बहुत धन्यवाद सिंह साहब, अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी, निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं, आप भी आजमाइए रजनीगंधा, रजनीगंधा। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप, सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम, जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार, द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक है। कितनी भी कोशिश कर लो पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ, आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका, एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया,
जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 260,000 रुपए प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं, तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां हर पार्टी हर उम्मीदवार अपनी जीत के दावे कर रहा है। 28 अप्रैल को हुए निकाय चुनावों में 69% सीटों पर 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जो कि पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मतलब साफ है कि इस बार जनता उत्साहित थी मतदान को लेकर, लिहाजा सियासी दलों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो क्या हुआ कि पिछली दफे निर्दलीयों ने बीजेपी और कांग्रेस जैसे कई दलों को जोरदार बड़े झटके दिए और 22 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि बीजेपी के हिस्से 18 और कांग्रेस की झोली में सिर्फ 17 सीटें आई थी। इस मुद्दे पर बात करेंगे, अमिताभ जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, देहरादून आपको लेकर चलेंगे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह साहब हमारे साथ होंगे, आप कांग्रेसी नेता हैं, उमेश अग्रवाल साहब को आना था, आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी करने आना था, लेकिन वहां पे अभी से सिर्फ ट्रबल शुरू हो गया, हंगामा मचा हुआ है, ऐसा काउंटिंग के पहले जूतम पैजार हो रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उमेश अग्रवाल साहब उन जूतम पैजार कर रहे लोगों को समझाने गए हैं। अब कितने सफल होते हैं ये, अगर आएंगे तो उनकी हालत देख के हमको पता चल जाएगा। अविकल थपलियाल साहब हमारे साथ हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप सभी से एक एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उमेश अग्रवाल जी जो आने वाले थे उनको हम फोन पे जोड़ सकें। जी, तो जीत के दावे सबने किए, अब उनकी हकीकत सामने आने वाली है, क्योंकि जब 30 अप्रैल की सुबह यानी कल मतगणना शुरू होगी तो सबके दावों की कलई खुल जाएगी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर हर पार्टी और उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का जयकारा लगाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो हाथ की हथेली थाम 67 उम्मीदवार मैदान में थे। कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और मंत्री प्रसाद नैथानी के लिए 2 सीटें छोड़ी थी, लेकिन लाख % का सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपनी मौजूदा संख्या 17 से आगे बढ़ पाती है या फिर उतना ही बरकरार रख पाना टेढ़ी खीर हो जाएगी। दावे तमाम हैं, लेकिन आशंकाओं से दिल की घबराहट थमने का नाम नहीं लेती। अच्छी ही बातें बोलनी चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को केंद्र सरकार की रीति नीतियों के अनुसार, कांग्रेस की जो पिछली सरकार पंडित नारायण तिवारी के नेतृत्व में 5 साल चली। उधर बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए पिछली बार 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार सत्ता का साथ नहीं था, न ही गिनाने के लिए उपलब्धियां थी, लेकिन दावा किसी से कम नहीं। तभी तो 66 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले बीजेपी भी आधी सीटें हथियाने के सपने देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी मतदान अच्छी संख्या में हुआ है और उसी का एक परिणाम है मत करने की 35 और 40 के बीच में हम लोग आएंगे। 6 नगर निगम है, 6 नगर निगमों में पिछली बार तो एक था 100% हम थे, इस बार भी 6 में 5 हम आएंगे। इन बड़ी पार्टियों के अलावा 42 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी, 14 सीटों पर लड़ने वाली सपा और 7 सीटों पर दावा ठोकने वाली यूकेडी भी है। दावे इनके भी हैं, लेकिन निर्दलियों ने हलकान कर रखा है और इतिहास भी उन्हीं की हिमायत में जुटा है, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा 22 सीटें निर्दलियों ने ही जीती थी।